अब लाइट तो आ नहीं रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इमरजेंसी लाइट में ही बर्थडे केक काट रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां से हमने पैदल जाना है चंद्रगांव के लिए। तो फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं और ये है किट्टू। हैप्पी बर्थडे किट्टू, हैप्पी बर्थडे। दादा वहाँ पे दादा बैठे हैं। तो दादा ये कौन है? मौसी। इधर कौन है? मामा। बोल दे मामा, आज मेरा बर्थडे है, सभी मुझे विश करो। किट्टू मो। तभी मैं सिरजल और ससुर जी जा रहे हैं कलियो बांटने के लिए। तो कद का मोह कुछ नहीं हो, तब पता चल जाएगा कि कितने परिवार रहते हैं यहाँ। हैं 30 है करीब। अच्छा 30, तो 30 परिवार के लिए ये कलियो है, तो यानी कि यहाँ 30 परिवार रहते हैं अभी। तो यहाँ से शुरुआत हो गई है कलियो देने की, यानी मिठाइयाँ देने की। तो पिछली बार मैं किट्टू के अनुप्राशन में आया था जब वो 6 महीने की हो गई थी यहाँ। अब मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है गांव। इस साइड काफ़ी छन्नियाँ हैं, होता है ना गांव में एक साइड छन्नियाँ होती है मतलब गौशाला, और एक साइड मकान होते हैं। तो ये ऊपर साइड यहाँ पे छन्नियाँ ही छन्नियाँ हैं और उस साइड मकान ही मकान है। और ये दूसरा परिवार यहाँ ऊपर, 4-5 मकान है, लेकिन 4-5 मकान में से सिर्फ एक मकान के लिए यहाँ पे मिठाई गई है, यानी कि एक ही परिवार रहता है, बाकी सब पलायन। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में, सियलना वाली वीडियो में, एक अंकल जी अपना घर बना रहे थे, तो यही वाला वो घर है। तो मस्त उन्होंने अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाया है घर, ये देख लो। तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो मकान है सबसे पुराना मकान है इस गांव का, और फूल देख सकते हैं अपने आप ही हो रखे हैं वहाँ। ये देख लो सुंदर सुंदर सदाबहार के फूल। फाइनली जो कलियो वितरण है वो कंप्लीट हो गया है, सबको दे दिया है। और ये है पंचायत चौक। खड़ो बस। तो अभी हम रुके हैं जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है उसी के सामने, और ये जंगला कह सकते हैं, तो जंगला में हम रुके हैं। और इस साइड है जीजा औरों का घर और इस साइड पूरा गांव। अच्छा यू आपा की गौर चीज। अच्छा सिर्फ कल लगन होती है यू गाँव। बहुत अच्छा है। तो हम गए तो ऊपर वाले रास्ते से थे, लेकिन अब आ रहे हैं नीचे वाले रास्ते से, ये वाला रास्ता। किट्टू हम आ चुके हैं। मतलब मोबाइल नहीं चला आएगा, जब मोबाइल में आएगा तो बस आएगा। हाँ बस है ये। भी शिल्पा नहीं तो कद दू हूँ। काम तो यार बल्कि देख तरीके इन उनकी, जब अगर कोई गलती हो जाए तो अब छुट्टा गलती भी हुआ था, अब मैं लीन चाहिए इनमें। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। हाँ चलो मेरी गलती थी कि मैंने एक बाल चुकी तो बनी ले। मेरी गलती थी भाई की जो मैंने एक बाल के पनीर ले, वैसे अच्छो मैं खुद ही चल जान, वैसे अच्छो मैं 25 किलोमीटर दूर दूर चल जान। अरे पनीर के लिए प्याज तो ऐसी हो गया, बस मुर्गा ले हो गया पनीर। अरे पनीर खा ले आए, अब प्याज रह गया।
अब पनीर खत्म हो गया, मुर्गा आएगा कि पनीर गलती से छूट गया था और उसकी सजा देख लो अब क्या मिल रही है। कब से छीले जा रहा हूँ ये देख लो। तो अब तैयारी करते हैं किट्टू के बर्थडे की। तो आज लाइट बार बार जा रही है, हमने यहाँ पे मस्त बलून वलून सब सजा दिए हैं और फाइनली लाइट आ गई। अबे तो पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है, आज आ रही है जा रही है, तो हमने मस्त सजा दिया यहाँ पे। तो अब केक काटेंगे कुछ देर बाद और यहाँ खाने की तैयारी चल रही है। तो आप कुछ कहना चाहते हो, आज आपकी बेटी का बर्थडे है? आज मेरी बेटी किट्टू का बर्थडे है, आप सब उसको आशीर्वाद दीजिएगा, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, खुश रहे, मुस्कुराती रहे बस। और भाभी जी आप बड़े हैं, अभी पहला बर्थडे है बच्ची का, खुश रहना चाहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद उसको, सारे लोग उसको कमेंट्स में आशीर्वाद दें, अपना बहुत बहुत सारा प्यार दें। पनीर मंगाई थी भाई साहब, माँ पनीर बाकी छोड़ी गई तब को माँ पड़ते खाना। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट आए और कब हम केक काटे। यहाँ पे ये है किट्टू का केक और किच 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 तेज किच किच। शाबाश किट्टू, आज तेरा बर्थडे है, आज तुझे कोई नहीं डांटेगा, भेज दे। लाइट तो आ नहीं रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इमरजेंसी लाइट में ही बर्थडे केक काट रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार को टैग किया जाए कि लाइट ना आने के कारण हमने केक काटा इमरजेंसी लाइट में ही। हथियार दिया जाएगा। अरे माचिस, क्या है कि किट्टू चुप ही नहीं हो रही है, बाकी केक भी कट चुका है और देख लो जैसा। अब ये फोटो भी नहीं खिंचाने दे रही है, कुछ नहीं करने दे रही है, देख लो चिल्ला रही है बस, इसका मूड पूरा खराब हो गया है। किट्टू सब किट्टू चुप ही नहीं हो रहा है, अब उसका सोने का टाइम भी हो रहा है ना, फोटो खिंचाने दे रहा है वो है। वही क्या चुप ना।
फाइनली अब 2 मिनट के लिए लाइट आ गई है। अब देखो ये 2 मिनट तक की रहेगी और फिर ये चली जाएगी। हाँ सही में लाइट की जैसी हम तारीफ करेंगे ना वैसी चली जा रही। अभी मैंने जैसे जैसे कैमरा ऑन कर रहा था ना वैसे वैसे लाइट चली जा रही थी। अब देखते हैं अब कितनी देर तक मतलब लाइट रहती है। तो अभी यहाँ पे बातें चल रही हैं लाइट के रिलेटिव। अब ऐसे इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यही इलेक्ट्रीशियन होंगे। ये देखो ओ ये तो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं यार। और ये माँ बेटे की गॉसिप हो रही है यहाँ पे एक दूसरे की छी लगा रही है। और माँ बेटी के बीच में बुआरी भी आ गई। एक दूसरे की नहीं तेरी छी लगा रहे थे हम। माँ बेटी के बीच में बुआरी भी आ गई। ये बुआरी ये पनीर बन रहा है सबको दिखा दो। ये पनीर के टुकड़े दिखाता हूँ मैं। ये देख लो पनीर के टुकड़े। फिर बजा। अरे यहाँ नहीं कौन ना सभी वीडियो में जाएगा। अनकट क्या वो काट दे एकदम। इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी। हाथ जोड़े को भाई साहब आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं हमारी समझ से बाहर है। गाइस ये देखिए ये है कोफ्ता और दाल बना रखी है। ज्यादा कुछ किया नहीं के अगर छोटी से कुछ गलती हो भी जाए तो बड़े को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ यार मेरी वजह से ही हुआ। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ इसने सारी गलती इसके सिर डाल दी। नहीं मैं सबको बड़ा मानता हूँ इस वजह से ये चीजें होगी। तो अब खाने का टाइम आ चुका है। अब सभी पंगत में बैठेंगे हम भी बैठते हैं। तो अब बैठते हैं पनीर बहुत बढ़िया हो रहा है। दोबारा मत मांगना पनीर। आई नहीं सर जल्दी जल्दी खेले कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है और काफी मजा आया बर्थडे में। कहाँ कहाँ वीडियो बना रहे हो? हम देवखेत में रुके देवखेत से पहले भी रुके लेकिन देवखेत से पहले जो ग्राउंड है ना वहाँ पे जो बुग्याल है मतलब घास है और उनमें जो फूल थे वो लगे थे। कीड़ा जड़ी थी वहाँ पे बुग्याल में। अच्छा वो कीड़ा जड़ी बोलता है उनको क्या उस वाली घास को क्या बोलते हैं जो वाइट 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 घास खाने में टेस्टी होती है। खाया होगा तो खाया हुआ तो नहीं लेकिन वो बहुत ही मिस कर दिया। बहुत ही पौष्टिक घास है। ऐसा लग रहा था कि मतलब अलग ही बुग्याल में हम पहुंच गए हो तो उसका जो कंटेंट है वो अलग वीडियो में आएगा। अच्छा एपिसोड में बात करेंगे अब। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में आपने किट्टू का बर्थडे देखा पर लाइट ने बहुत परेशान किया इस वजह से वीडियो भी नहीं बन पाया ढंग से और बर्थडे भी नहीं बन पाया ढंग से। मतलब अंधेरे में ही हमने इमरजेंसी लाइट थी उसी में मतलब गुजारा किया। मतलब 3 इमरजेंसी लाइट थी और उसी में मतलब हमने बर्थडे मनाया। आज उत्तराखंड में सब परेशान है। उत्तराखंड में सब परेशान है। उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार बिल्कुल इंजन में धुआं ही धुआं छूट रहा है। तो आप इनके क्यों धुआं तो ये मतलब डबल इंजन की सरकार है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा छोड़ रही है। जैसे की यूकेएसएससी का धुआं है ना विधानसभा भर्ती घोटाला धुआं तो ये रिजॉर्ट फर्जी रिजॉर्ट मोनचट्टी में अभी एक युवक की हत्या हुई थी।
फिर उसके बाद ये अंकिता हत्याकांड, अभी तक दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डबल इंजन की सरकार है लेकिन धुएं के साथ चल रही है, धुएं छोड़ते हुए जा रही है। मैं तो यही कहूंगा। खुटी भी ना दी, खुटी भी किटो कर दी। ये क्या बना चाहिए जो बड़ो ना वे क्यों गल दे, तो सबसे बड़ा पे ज्यादा जो पनीर जो वो बचूट ना। हां तो आप गल दीजिए मैं को बोला जा। हां मैं तो घर पर करके क्या है लियो बोल दे।